पार्ट वन में हमने देखा कि कैसे किसान दूध का उत्पादन करता है और उसे बीएमसी तक पहुंचाते हैं। अब इस पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे हमारा टैंकर हमारे प्लांट में आता है और वहां से उसकी पैकेजिंग तक की कहानी। हमारा मिल्क टैंकर गांव से ठंडे दूध को लेके आया है। यहाँ पे वेइंग ब्रिज पे इसका वजन होता है और उसके बाद में उसका क्वालिटी टेस्ट होता है। क्वालिटी टेस्ट अप्रूव होने के अनुसार ही हम उस दूध को रिजेक्ट या अप्रूव करते हैं ताकि वो प्रोडक्शन में जाए। मिल्क टैंकर के वेइंग के बाद हमारा टैंकर अनलोडिंग डॉक पे हमारे क्वालिटी टेस्टिंग के लिए आता है। इसके बारे में हम अधिक जानकारी लेंगे धीरज जी से। जैसा कि हम लोगों ने देखा है, टैंकर वजन होने के बाद रिसेप्शन डॉक पे आती है। इसके बाद क्वालिटी चेक करने के लिए सैंपल करवाते हैं। क्वालिटी ओके होने के बाद टैंकर को हम लोग रिसीव करते हैं और साइलो में स्टोर करते हैं। क्वालिटी एनालिसिस लैब में आता है जहाँ पे उसकी गुणवत्ता की जांच होती है। इसकी अधिक जानकारी हम प्रमोद जी से लेंगे। प्रमोद जी, दूध का तीन तरह का टेस्ट होता है, एक फिजिकल, दूसरा केमिकल, तीसरा माइक्रोबायोलॉजिकल। फिजिकल टेस्ट में बेसिकली विजुअली आँख से देखते हैं कि किसी तरह का कोई फॉरेन मैटर तो नहीं है। फिर दूसरा टेम्परेचर, जो टैंकर से सैंपल लेते समय ही हो जाता है। आगे का टेस्ट केमिकल है, तो केमिकल में दो तरह का टेस्ट हमारे पास है। ये लैब फुल्ली ऑटोमेटिक है तो हमारे पास मशीन है, दूसरा मैनुअल मेथड है। तो इसमें बहुत सारे पैरामीटर है जिसपे हम लोग टेस्ट करते हैं, जैसे फैट हो गया, SNF हो गया, जो डायरेक्ट प्राइस को डिटरमाइन करता है। फिर आगे माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट है जिसमें MBRT है, SPC काउंट है, कोलीफॉर्म है, इस्चेरेसिया कोलाई है और ईस्टर्न मोल्ड। ये सब सारा टेस्ट का फैसिलिटी इन हाउस है। हमारा मुख्य उद्देश्य है जो भी दूध या पैकिंग मटेरियल हमारे प्लांट में आ रहा है वो सेफ हो और एक निर्धारित मापदंड का हो, और दूसरा जो हम सप्लाई करेंगे वो कंसिस्टेंट हो। ये सैंपल हमारा टैंकर के साथ में आता है, इसे हम मैच करते हैं हमारे अनलोडिंग के समय लिए गए सैंपल से ताकि हम देख सकें कि कोई हमारा ट्रांसपोर्टेशन के समय में कोई क्वालिटी लॉस ना हुआ हो। ये जो आप मेरे पीछे पंप देख रहे हैं, इनकी क्षमता प्रति घंटा 20,000 लीटर दूध को अनलोड करने की है ताकि हमारा दूध जल्द से जल्द टेम्परेचर कंट्रोल एनवायरनमेंट में जा सके और वो ख़राब होने से बचे। गुणवत्ता की चेक होने के बाद हम लोग उसको पंप के थ्रू ट्रांसफर कर लेते हैं रॉ मिल्क साइलो में। फिर मार्केट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस दूध को पास्चराइज करते हैं, स्टैंडराइज करते हैं एंड होमोजेनाइज करते हैं। ये सारे प्रक्रिया करने के बाद इस दूध को पास्चराइज मिल्क साइलो में स्टोर करते हैं। उसके बाद हम इसको पैकिंग करने के लिए ओरिजेंटल स्टोरेज टैंक में हम लोग ट्रांसफर करते हैं।
ऑफिस में भी फॉग जम गई है। हमारे दूध को 1 से 2 डिग्री टेम्परेचर पे ठंडा किया जाता है पैकेजिंग के समय में, और यहाँ पे कम से कम बिलो 4 डिग्री टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है 4 घंटे के लिए, उसके बाद ही उसे डिस्पैच किया जाता है। ये आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारा दूध है जो पैकेज हमारा रेडी है जाने के लिए। इस मशीन में हमारी दही की बॉक्स की पैकेजिंग हो रही है। इसमें दूध और कल्चर का मिक्सचर ऐड किया गया है और उसको पैक कर दिया गया है। इसको फिर हम इंक्यूबेशन रूम में रखेंगे जहाँ पे दही हमारा सेट हो जाएगा और मार्केट में जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अभी हम इंक्यूबेशन रूम में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमारे पास अपने दही के कप और पाउचेस हैं जो सेट होने के लिए रखे हुए हैं। जब ये सेट हो जाएंगे तभी ना हम इनको डिस्पैच करेंगे। अभी हम लोग हैं डिस्पैच डॉक पे। यहाँ हमारे डिस्पैच व्हीकल्स रेडी हैं। ये इंसुलेटेड व्हीकल्स होते हैं जिसमें हमारा सेम टेम्परेचर मेंटेन रहता है जब तक प्रोडक्ट आउटलेट्स तक ना पहुँचे। तो ये हमारी लिस्ट बन चुकी है। हर एरिया वाइज हमारी प्रोक्योरमेंट लिस्ट होती है। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट इसमें सारा मटेरियल लोड करेंगे, उसके बाद ये हमारा व्हीकल डिस्पैच हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी रात के लगभग 11:30-12 होने जा रहे हैं और अभी हमारा डिस्पैच चालू है। आपको बता दें कि मेरा डेयरी के एवर एक्सपेंडिंग बेस को हम लोग सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रोडक्शन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि 2014 से लेकर अभी तक हमारा एक जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आया है, जिसमें हमारे कस्टमर्स के बहुत बड़े हाथ हैं और हम हमेशा हमारा ये प्रयास रहता है कि हम निरंतर अपने जो भी कार्य अपने बेंचमार्क को हमेशा ऊपर करते रहें। आज के डेट में हम लगभग 1,35,000 लीटर दूध जो है उसकी मार्केटिंग कर रहे हैं, जो कि हमने शुरुआत किया था 2014 में लगभग 12,000 लीटर से। आज के डेट में हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है लगभग 100 से अधिक डिस्ट्रीब्यूटर हैं और लगभग 5,000 से ज़्यादा आउटलेट को हम लोग केटर करते हैं, जो कि झारखंड के विभिन्न प्रांतों में जो है स्थापित है। और जैसा कि आप लोगों को महसूस भी हुआ होगा, दिन प्रतिदिन लोगों की अपेक्षाओं पे हम उतरने की कोशिश करते हैं और नए से नए प्रोडक्ट के वेरिएंट्स हम लोग लाने की कोशिश करते हैं। आज के दिन में हमारे पास 11 वेरियंट के दूध है और लगभग 21 वेरियंट के जो है हमारे पास प्रोडक्ट हैं, जो कि हमारे लिस्ट में आने वाले दिनों में और भी जो है ऐड होते चले जाएंगे और हमारे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को बढ़ाने के काम करेंगे। सो दैट कि हम जितने भी अपने ग्राहक हैं उनके जो अपेक्षा है मेधा डेयरी से, क्योंकि यह झारखंड का लोकल डेयरी है, बाकी डेयरियों के लिए झारखंड भले ही एक मार्केट होगा लेकिन हमारे लिए ये एक कर्मभूमि है। तो जो भी हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पर हमें दिया गया है उसमें हम लोग सतत जो है प्रयासरत रहते हैं और कोशिश करते हैं अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट जो है अपने कंज्यूमर्स को पहुंचाने की। अभी सुबह के करीबन 5 बज गए हैं, हमारी लास्ट डिस्पैच निकल रही है अभी। इसके बाद हमारा प्लांट क्लीनिंग प्रोसेस में जाएगा और सुबह मॉर्निंग 9 बजे से फिर से हमारा अनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा दूध का और हमारी पूरे बैच की प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस 18 घंटे से ऊपर का शूट हो चुका है। आप देख सकते हैं पार्किंग में कोई भी गाड़ी नहीं है, सिर्फ हमारी गाड़ी को छोड़ के। आपको पीछे आवाज़ आ रही होगी, डिस्पैच से ट्रक जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, अपने
फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशनल वीडियोज़. थैंक यू.